अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज असल में कराची का मौसम हमारा बड़ा प्यारा हो रहा था, तो अगर ये दिख रहा हो आपको तो ये चेक करें बस। आज कराची के अंदर मुझे लग रहा है कि ऐसा बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है, जो कि ऊपर मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रहा है और अपने परिंदे वगैरह जो हैं वो सारे के सारे अपना सेफ हैं। ये फैन भी चल रहा है अभी, इसको मैं ऊपर असल में आया था जनरेटर और फ़ैन अंदर करने, तो अभी हमारे कुछ नई क्वालिटीज़ भी आई हैं जो कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये चेक करें, एक ये पेयर लगाया है जो कि अभी मैं नहीं बताऊँगा आपको कि क्या है, वो बाद में बताएँगे। और फिशर भी आ गए हमारे पास, तो फिशर भी अभी माशाल्लाह से ऐड हो गए। और ये तो आपको पता ही है, रिंगनेक भी हैं। और ये हमारे बजरीस हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए जो ईगल वाला पॉइंट था, और बजरीस वाले पॉइंट में हमने वो जो नई एक चीज़ हम लेकर आए हैं वो डाली है। और इससे बराबर में रिंगनेक है, रिंगनेक के केज का काम भी हो गया, कलर शलर भी हो गया। और मतलब कि ये जो स्टिक थी वो ख़राब थी, तो उसको चेंज करके हमने वो करा। और अभी इनका फ़ैन भी लग चुका है, तो ये पूरा दिन फ़ैन चलता रहता है। ऊपर शेड वगैरह भी लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, बिल्कुल यूं कह लेंगे अब बिल्कुल मस्त कर दिया इनको। और लाइट असल में अभी मैंने लगाई थी, असल में मैं ऊपर आया जल्दी जल्दी में, तो व्लॉग मैंने मगरिब से पहले ही स्टार्ट करना था। अभी अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अंधेरे से मैंने सोचा था कि पहले ही करूँगा, लेकिन अंधेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो वो इस लाइट की वजह से। तो लाइट लगानी थी यहाँ पर, क्योंकि लाइट अगर सही नहीं आती, हमारे ईगल साहब जो बैठे हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये मौसम चेक करें आप, तो ये जनाब अभी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे बीटी शीटी भी कर दी हैं। तो ये माशाल्लाह अभी बहुत बड़ा हो चुका है, ये चेक करें। इसको भी सेफ जगह पे बिठाते हैं, क्योंकि ये बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो ये चेक करें आप, ईगल हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है बड़े मज़े से। यार लेवल चेक करो बस, तुम इसका लेवल ही एंड है हमारे ईगल का। तो ये थी जनाब आज की थोड़ी सी अपडेट, अब इंशाल्लाह रेगुलर अपडेट आती रहेगी। कुछ पार्ट्स की भी, कुछ नए भी लाने का सोच रहे हैं और भी, लेकिन वो अभी भी नहीं, क्योंकि कुछ टाइम लगेगा अभी ये बारिश वगैरह बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि मौसम अभी ऐसे चलते रहेंगे। तो फिर अभी फ़िलहाल ये जो हैं मेरे पास, इनकी ही मैं मतलब के केयर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है करना, तो उसके बाद ही फिर इंशाल्लाह कुछ नए बर्ड भी लाएंगे। और अच्छा, आपने एक बात मुझे ज़रूर बतानी है, ईगल हम तो जनाब हम ये कह रहे थे कि ईगल हमारा कोई हमसे मांग रहा है ये, तो आपने ये बताना है कि ये हम उसको दें या नहीं दें। अब वो रेगुलर ही मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो अब ये बिल्कुल ओपन ही रहता है यहाँ पर छत पर, बिल्कुल ओपन ही रहता है यहाँ पर। ये देखिए आप, कहीं भी घूमता रहता है। हालांकि इसका स्टैंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, अभी उसको वहाँ पे बिठाते भी हैं। तो लेकिन फिर भी ये दिन में ऐसे ही घूमता रहता है बाहर। और अब बिल्लियों से भी इसकी यूँ कह लेंगे दोस्ती हो गई है, अब बिल्लियाँ भी इससे जो है ना नहीं लड़ती। और इसके विंग्स वगैरह, दुम वगैरह माशाल्लाह, अब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसी हो गई हैं। ये दुम देखें इसकी, वो नीचे तक के लटक रही है। और मौसम आज का बड़ा प्यारा हो रहा है असल में, बस अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, उस वजह से दिख नहीं रहा सही तरीके से, वरना बादल फुल घने आए हुए हैं और बिजली भी आपके सामने चमक रही है। ये चेक करें, तो ये चेक करें आप, बिजली चमक रही है और ये हमारा सेटअप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये बताना है कि अब आपको हमारा सेटअप लग कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें। और ये फिशर, ये हमारा पुराना केज है जो कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर बस दाना वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो फिशर भी आ गए, और ये रिंगनेक हमारे, इसका केज का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी चीज़ें मतलब कि अभी इस केज की करनी है सफाई। हाँ, ये मुझे भी याद आया, क्योंकि जो भी हमारी छत का पानी है, मतलब कि यूँ कह लेंगे जितने भी सेवरेज का निज़ाम है, वो सारा इधर ही जाता है। और ये फ़ैन भी अभी अंदर उठा के रखता हूँ, कि बारिश में अगर ये ख़राब हो गया तो फिर जून जुलाई मतलब गर्मी का महीना है इनके लिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
खैर दूसरा तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी नुकसान से बेहतर है कि बंदा, अभी वैसे भी मौसम ठंडा हवा चल रही है तो नुकसान से बेहतर है बंदा एहतियात कर ले। तो ये सारे बजरी हमारे इधर चिपके में, इनको यहाँ पर चिल फील करते हैं, ये यहाँ पर बस ये रात में यूँ ही चिल करते हैं। तो ये हमारा रेडाई का पट्टा है, जो कि मैंने आपको बताया था इस फीमेल का बेबी है ये, और इसका मेल वो पीछे ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा। ये चेक करें, ये हमारा एक बायर आया हुआ है, बस ये यहाँ से देख लें आप, बाकी का जब दिखाएंगे जब इसका टाइम आएगा। अगर आपको जल्दी देखना है तो कमेंट में जल्दी बताना, और इस वीडियो के ऊपर जितने लाइक आएंगे और जितने कमेंट आएंगे फिर उस हिसाब से हम ये बर्ड भी दिखाएंगे अपने, ये जो दो न्यू आए हैं, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कोई अगर आप न्यू चीज़ बोलते हैं तो वो भी आ जाएगी। तो अभी हल्की हल्की सी मतलब बादल भी गरज रहे हैं, और ये यकीन मानो एंड सीन है समझ लो। अभी मैं ऊपर बस किसी और काम के लिए आया था, लेकिन मैं फटाफट से मैंने बोला यहाँ पे लाइट लगाओ थोड़ी सी, बर्ड्स का भी दिखाएंगे, इधर की लाइट देखना, अभी इधर जो बिजली चमक रही है ना वो किसी लेवल की हो रही है, ये चेक करें। थोड़ा बहुत ज़्यादा धूम हो गया, असल में हमारे पास आईफोन है नहीं तो फिलहाल इसी से गुजार करें। बादलों के पीछे से बिजली चमक रही, और शेड चेक करें आप कितना प्यारा आ रहा है ना, शेड देखें बस, एंड शेड आ रहा है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डिस्को लाइट चल रही हो, ये चेक करें कितना मज़े का सीन है ना ये, और इधर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। इधर अभी नहीं चमक रही, इधर ही हो रही है कंटिन्यू, तो हम इधर ही फोकस रखते हैं। तो मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया है, अब मेरे चैनल का नाम है hema.faizan। तो जल्दी से जो न्यू आने वाले हज़रात हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आप जो लोग मुझे प्रॉपर देखने वाले हैं उनसे मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपने फ्रेंड्स को भी हमारी वीडियोस शेयर किया करें, यार भाई को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हमारा पूरा ये सेटअप बनाने का इरादा है, तो यह आपकी सपोर्ट जब होगी तो फिर कुछ ऐसा होगा सीन, इंशाल्लाह वो भी करेंगे बहुत जल्द। तो ईगल को अभी उठाकर हम इसके स्टैंड पे बिठाते हैं, स्टैंड इसका हमने बनाया है, ये जनाब इधर बैठते हैं, ये इधर बैठा रहता है बस, ऊपर से वो भी है थोड़ा सा कवर हो जाएगा, इसको थोड़ा और पीछे कर देंगे ताकि अगर चाहिए यहाँ से जैसे कि बारिश होती भी है तो ज़्यादा नीचे ना आए। और अभी मैंने असल में सोलर प्लेट भी सेट करनी है एक जगह पर, और अभी एक समझ लें लेवल का सीन मिस हो गया हमसे ना, वो जो लाइन नहीं आ रही होती है ऐसे ऐसे करके, वो वाली मिस हो गई, चेक करें। फुल कराची का वीआईपी मौसम हुआ पड़ा है, और बस अल्लाह ताला इतनी रहमत बरसा है जितनी कराची को बर्दाश्त होती है, और सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, क्योंकि हमारा कराची, अभी मैंने कैमरा दूसरी तरफ लिया और फिर वो दोबारा से लाइन आई, तो अभी मैं इधर ही फोकस रखता हूँ, आपको दिखाऊंगा ज़रूर। चेक करें, मैं अपनी फ्लैश लाइट ऑफ करके देखता हूँ, ये देखें कंटिन्यू इधर ही बिजली हो रही है, और इस साइड पे अब नहीं हो रही। वैसे वेदर चेक करें आप, बादल चेक करें, कराची का ऐसा मौसम जान डाल देता है लेकिन जान निकाल भी लेता अगर ज़्यादा बरस जाए तो। तो फिलहाल हम करते हैं अपनी वीडियो का यहीं एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अल्लाह हाफिज़। और हाँ एक बात ज़रूर बतानी है आपने कि पहले तो गेस करना है इनका नाम, और दूसरा बस अभी इतना ही दिखाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, तो फर्स्ट गेस करना है, एक बार फिर दिखा देता हूँ, फिर चला गया कहीं गोरा, इसका नाम, और दोबारा हाँ दूसरे और मुझे बताना है कि ये बर्ड हम और ले कर आएँ इस पूरे जाल को। मेरा तो सीन ये है कि इसके अंदर अभी एक और एक से दो जोड़े और ला के डालूँ, और फिशर के भी एक से दो पेयर और ला के डालूँ,
टीशर्ट हो गया, कलर लबट हो गया, रिंग नेक हम रखेंगे। अभी मेरा बजरी का भी मूड नहीं हो रहा कि इनको मैं अपने पास रखूं, क्योंकि ये केज है अभी बजरी का, जो ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक टाइम से बजरी पे ही काम कर रहा हूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बड़ा करूँ, तो इसलिए मैं ये पेयर भी लेकर आया हूँ। और अभी वो चला गया, असल में ये मैंने फिशर और ये दोनों एक साथ रखे हुए थे, तो इनका मटकियों के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो उस वजह से मैंने इनको अभी फ़िलहाल अलग कर दिया। और ये क्या बोलते हैं, रिंगने का भी इंशाल्लाह इस साल में ये जोड़ा हमारा रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने ईगल को उठा के उधर बिठाते हैं, उसके लिए हमें कोई चीज़ चाहिए, मतलब अभी उसके नाखून यार असल में बहुत बड़े हो गए। तो फ़िलहाल एक मिनट में देखता हूँ कि इसका ग्लव्स किधर रखा हुआ है, मैंने जो बनवाया है मतलब कि ऐसी जुगाड़ पे पता नहीं किधर रख दिया। एक मिनट में वो ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। वो जनाब ये ग्लव्स आ गया हमारे पास, अब इसके ऊपर बिठाते हैं इसको और इसको स्टैंड पे बिठाते हैं। लेकिन ये जनाब जो है ना फिर घूम फिर के आ जाते हैं वहाँ से, तो ये मैंने ऐसी रेंडमली बनाया था। ये अभी थोड़ा इसको ये जगह ना थोड़ी ज़्यादा पसंद आ गई है, तो इस वजह से ये इधर ही बैठना पसंद करता है। अब आ जाओ, ये चेक करें, ये आ गए मोहतरम साहब। तो अब थोड़ा सा इधर का भी सीन देखते हैं, ईगल के साथ हमारी बिजली का सीन, ये चेक करें, ये भी देख रहा है उधर ही ये क्या हो रहा है। तो ये तो देखिए, अब हम इनको कुछ ना कुछ करके अपने परिंदों को सेव कर ही लेते हैं। तो जाओ आप इधर जाओ, ये इधर चले गए। अब ये देखें, अब इसको ना बारिश की टेंशन है ना किसी भी चीज़ की, वो तब ये तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर भी जब बारिश होगी तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, तो देख लेंगे इसको, वरना तो नीचे ले जाता हूँ मैं, वरना तो फिर यहीं रहेगा। और हाँ, सबसे मज़े की बात अब तो बताएं आप कैसा लग रहा है, ये इसके विंग्स भी पूरे आ चुके हैं और दुम भी पूरे आ चुकी है, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा। अब यूँ कह लेंगे उड़ना भूल गया, पता नहीं क्या सीन हुआ है, क्योंकि पर भी इसके जो है तकरीबन आ ही गए हैं, वो अब दिखा नहीं रहे जनाब। अब बिजली आई बहुत खतरनाक वाली ना। चलें तो फिर यहीं करते हम अपनी वीडियो का एंड, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर ठोक के सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।